शहर में बुधवार को कलेक्ट्री परिसर में चल रही जनसुनवाई में एक बुजुर्ग की अनोखी पीड़ा सामने आई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर वार सिंह की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई में पिछले 20 वर्षों से पेंशन को दर दर भटकने को मजबूर बुजुर्ग ने अपनी व्यथा बताई। बुजुर्ग देवराज सिंह का आरोप है कि CEAT से टेक्निकल असिस्टेंट पद से रिटायर्ड हुए हैं। आरोप है कि रजिस्ट्रार ने उनसे 50 लाख रुपये मांगे, जिसका मामला भी दर्ज करवाया। उनका कहना है कि रजिस्ट्रार राष्ट्रपति, गवर्नर, कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कर रहा है। देवराज सिंह ने बताया कि असिस्टेंट टेक्निकल पोस्ट दी गई, न ही वेतनमान दिया। बिना वेतनमान व पोस्ट दिए PPO टेक्निकल जारी कर दिया गया। इस बात को लेकर राष्ट्रपति से मिले राष्ट्रपति ने 2006 में लेटर पर गवर्नमेंट को भेजा, उसका 1 महीने के अंदर निस्तारण किया जाए, लेकिन अभी तक विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बोलो। मैं देवराज सिंह 1/2/2004 से CTI से टेक्निकल असिस्टेंट से रिटायर हुआ हूँ, पर आज दिन तक न मुझे टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है, न वेतनमान दिया गया है, और बिना वेतनमान और पोस्ट दिए मेरा PPO टेक्निकल असिस्टेंट का जारी कर दिया गया। इस बात को लेके मैं राष्ट्रपति के यहाँ गया। राष्ट्रपति महोदय ने 2006 में मेरे लेटर पर ये वहाँ भेजा कि गवर्नमेंट को, जन अभियोजन निराकरण विभाग को, कि इसका निस्तारण 1 महीने के अंदर किया जाए, और फिर वो मेरे विभाग को आया। वो आज इन्होंने दबा के बैठे हैं, उसको नहीं किया। उसके बाद मैं गवर्नर साहब से मिला 4/4/2004 को। गवर्नर साहब ने ऑर्डर किया कि देवराज सिंह के पेंशन प्रकरण का निस्तारण 15 दिवस में करके अपने स्तर पर देवराज सिंह को सूचित करें और प्रगति से राजभवन को सूचित करें, जो आज दिनांक तक नहीं किया गया। उसके बाद में कलट साहब से मिला। कलट साहब ने 2013 को मैंने संवेदना बताई, मुझे पेंशन नहीं मिल रही है सब टेक्निकल से आज तक जो है, तो उन्होंने कहा कि पेंशन प्रकरण का डीन रजिस्ट्रार को लेटर लिखा कि इसका प्रकरण का निस्तारण करके आप देवराज सिंह को सूचित करें और प्रगति से कलेक्ट्रेट को सूचित करें। उसके बाद पिछले 2022 में कलेक्टर साहब ने फिर भेजा कि आप अगर इनको दे दिया गया तो उसका निस्तारण करने के सबको दबा के बैठे, किसी पर नहीं किया। आज मुझे टेक्निकल असिस्टेंट का PPO तो हो गया, पर न वेतन मिल रहा है न पेंशन। दूसरी बात, मुझे कम्यूटेशन अमाउंट दिया गया 2,05,539, जो कि 1,746 पर मंथ से कटौती होती है, जो कि लगभग 1 से 18 किस्तों में होती है, पर 201 किस्त काट ली इन्होंने मेरा पैसा। अब बताइए साहब, मैं किसके पास जाऊं? मैं 20 साल से चक्कर लगा रहा हूं, राष्ट्रपति तक गया, गवर्नर तक गया, मेरी कोई नहीं सुनता, अब क्या करें? अब ये कहते हैं कि तेरे को मरना पड़ेगा, तेरे जीते जी मुझसे 5 लाख रुपए मांगे रजिस्ट्रार ने। मैंने उसकी FIR दर्ज कराई है, पर उस पर कुछ नहीं है। ये पैसा दे करके पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, दबा के बैठी है। अभी कलट साहब के आगे आपने सुना होगा मेरा, मैंने कहा है तो उन्होंने मार करके किया है। मैंने कहा आप मुझे बताइए किस नियम से काटा गया है 118 के बजाय 201 किस्तों में। मैं तो एक रोजाना लाने वाला कर्मचारी हूँ। दूसरा, मैं गवर्नर साहब से मिला पिछले उस पर, गवर्नर साहब को कहा तो मैंने कहा साहब ये है, तो गवर्नर साहब कहते हैं आप कोर्ट केस क्यों नहीं चले जाते। मैंने कहा साहब आप स्टेट के फर्स्ट नागरिक हैं और मैं लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति हूँ, आप कहेंगे तो अब मैं कोर्ट में चला जाऊँगा। ये आप गवर्नर साहब का लेटर है, आप इसको पढ़ लीजिए। गवर्नर साहब ने पढ़ा कि अरे भाई अब तक नहीं हुआ ये। मैंने कहा साहब इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, एक रजिस्ट्रार, एक बाबू राष्ट्रपति के ऑर्डर को नहीं मान रहा है, रजिस्ट्रार न गवर्नर के ऑर्डर को मान रहा है, न कलट साहब के ऑर्डर को मान रहा है, तो अब बताइए साहब। मैं मीडिया वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं किसको अपनी वो कहूँ, मैं किसको अपनी अर्थदाश लेके जाऊं? मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं। आप कलेक्टर साहब सामने, मैं 6 बार से कह रहे हैं कि हम रजिस्ट्रार को बुला करके पूछेंगे, पर 6 बार से नहीं आ रहे, मुझे दिखता नहीं सुनता नहीं, एक आदमी लेके आया हूं मैं अपने साथ, कैसे जाऊं? उन्होंने ये बोला कि हम आपके जो है उनसे बात करा देते हैं। अरे बात कराने से मेरा प्रकरण नष्ट नहीं होगा, ये मुझे जवाब चाहिए कलेक्टर साहब का, 13 का ऑर्डर का आज तक क्यों नहीं हुआ निस्तारण, आप इसका निस्तारण कराइए। कलेक्टर साहब ये आपका ऑर्डर है, आप इसकी अवहेलना कर रहे हैं, आप बताइए ये कब तक चलेगा ये नाटक जो है, मेरी समझ में नहीं आता।